ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इंसाफ नहीं हो जाता। पहले कहा जाता था कि कश्मीर में धारा 370 की वजह से आतंकवाद है, अब कश्मीर में 370 नहीं है तो आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही है? ये कहना है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। दरअसल आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में स्थित चौधरी कुंड इलाके में पूरन कृष्ण नाम के व्यक्ति की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके पैतृक घर के बाहर उन पर यह हमला किया गया था। पूरन भट्ट की हत्या के बाद से विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। फारूक अब्दुल्ला ने टारगेट किलिंग के साथ ही बीजेपी पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी कर अपनी सियासी जमीन बचाने की जुगत में लगे हैं। आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में बढ़ते टारगेट किलिंग को लेकर कहा कि जैसा कि भाजपा कहती रही है कि अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई, तो उसे समाप्त किए 4 साल हो गए, लेकिन पिछले कुछ सालों से कश्मीरी पंडितों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब भाजपा के पास क्या जवाब है? जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इंसाफ नहीं हो जाता। पहले कहा जाता था कि कश्मीर में धारा 370 की वजह से आतंकवाद है, अब कश्मीर में 370 नहीं है तो आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही है? पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन रूस जंग के दौरान का एक बयान याद दिलाया कि युद्ध आज की दुनिया का कोई विकल्प नहीं है, जब तक इसे नहीं रोका जाता तब तक हत्याएं नहीं रुकेगी और इसे कभी भी अकेले सैन्य रूप से नहीं किया जा सकता है। हमें बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालना होगा। देखिए आज रूस यूक्रेन युद्ध में क्या चल रहा है, वे महीनों से एक साथ लड़ रहे हैं और उन्होंने क्या हासिल किया है। वहीं भारत चीन सीमा विवाद का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जब हम चारों ओर यह सब होते हुए देखते हैं और जब हम चीन से अपनी सीमाओं से वापस जाने की बात कर रहे हैं और उनके साथ अपने सीमा मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं करेंगे तो हम यहीं पर मरते रहेंगे। वहीं फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता एवं सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि आप अगर देखें कि इस समय अलकावादियों की दुकान बंद हो चुकी है, पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, कई आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर मारे गए हैं, कश्मीर में अमन बहाली की ओर है और विकास तेज गति से जारी है, लेकिन इन लोगों की अपनी जमीन कश्मीर से खत्म हो चुकी है और इस तरह के बयान देकर ये लोग अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने की कोशिश। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।